अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आमना तलहा। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की हमारी वीडियो जो बड़ी मज़ेदार से होने वाली है, आज की हमारी वीडियो हेयर केयर रूटीन, बेस्ट अफोर्डेबल हेयर केयर रूटीन। और आज ही मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो के ऊपर। तो आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर भी करना है और मेरे इंस्टाग्राम को भी लाजमी फॉलो करना है। आमना तलहा के नेम से इंस्टाग्राम मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो आप लोगों ने लास्ट में फॉलो करना है। अच्छा जी, जब हेयर केयर की बात होती है ना, हेयर केयर रूटीन की, तो सबसे पहले जो हेयर केयर रूटीन में चीज़ ऐड होती है वो होती है ऑयलिंग। ऑयलिंग आप लोगों ने मस्ट करनी है, वीक में 2 से 3 टाइम्स तो आप लोगों ने लाजमी करनी है। और जिन लोगों को ऑयल लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब कि जैसे स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गोइंग्स या ऑफिस वर्क वाली गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, जो उनको ऑयल लगाना ज़्यादा पसंद नहीं या वो नहीं लगा सकती, तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि एक दफ़ा तो आप लोगों ने लाजमी बालों पर ऑयल लगाना ही लगाना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए जो है ना हेयर केयर रूटीन में ना एक बड़ा सिंपल सा ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनको आप मिला के घर पे भी ऑयल बना सकते हो और आप लोग उसको अकेला अकेला भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों ने सिंपल जो है ना कोकोनट ऑयल ले लेना है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग जो है हेयर केयर रूटीन में विटामिन ई के ये कैप्सूल आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएंगे, इवियन के ये मिलते हैं, ठीक है। ये वाले जो है ना किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लोगों को मिल जाएंगे, ये आप लोगों ने ले लेने। आप इसके अंदर 2 कैप्सूल ऐड करके ये अपने बालों पे लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी सा। इससे आपके बाल ग्रोथ भी अच्छे हो गए, अच्छे से आपके बाल जो है ना मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे डीपली, और उसके बाद जो है इस बाल शाइनी होंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और बाल जो है ना बड़े स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है ना कोकोनट ऑयल, ये आपको 600 तक बोतल मिल जाएगी, लोकल मार्केट से मिल जाएगी। उसके अलावा आप लोगों को मार्ट वगैरह से मिल सकती है, उसके अलावा ऑनलाइन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मिल सकती है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास जो ऑयल है वो है ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये ऑलिव ऑयल जो है ना आप लोग विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर विंटर में ऑलिव ऑयल जो है ना यूज़ कीजिएगा, समर में नहीं। समर के लिए ये बेस्ट है, ये समर के लिए भी बेस्ट है, ये विंटर के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। आप इन दोनों ऑयल्स को मिला के इसके अंदर आप लोग इवियन के कैप्सूल ऐड करके ये वाला भी जो ऑयल है ना अपने बालों पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप 1, ऑयल हमारे हो गए कंप्लीट। उसके बाद जी दूसरा ऑयल यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल। ये मैंने पहले भी डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ इसका शेयर कर चुकी हुई हूँ, ये आप लोग देख लें। ये काफ़ी अच्छा ऑयल है, काफ़ी अच्छा, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो जो मैंने आप लोगों को ये ऑयल बताया, इसके अंदर आप लोग इवियन के कैप्सूल डालें और ये दो ऑयल लगाएं, ये बेस्ट है। ये 1000 तक आप लोगों को एक बोतल मिल जाएगी, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो ये वाला कोकोनट और ऑलिव ऑयल मिक्स करें, उसके अंदर इवियन के कैप्सूल ऐड करें विटामिन ई वाले, और आप लोगों का जी बेस्ट हेयर ऑयल घर पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद जी सबसे पहले हेयर केयर रूटीन में हमारे ऑयल हो गए, उसके बाद आप लोगों ने बालों पे मास्क लाजमी लगाना है, वीक में 1 से 2 दफ़ा बालों पे मास्क लाजमी लगाना है। मैंने इस वीडियो में मास्क जो है ना वो बना के पहले मैंने अपने बालों पे जो लगा मैं जो यूज़ करती हूँ ना वो मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया था, इधर मैं साइड पे चला दूंगी, आप लोग देख लेंगे किस तरीके से मैंने बनाया है। तो आप लोग देख लेंगे मैंने किस तरीके से बनाया है। मैंने इसके अंदर एग यूज़ किया है और साथ मैंने इसके अंदर योगर्ट यूज़ किया है और इवियन के कैप्सूल यूज़ किए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने अपने बालों पर कर लेना है अप्लाई। 20 से 25 मिनट के लिए बालों पर अप्लाई करेंगे। ऊपर आप लोग कोई शावर कैप बालों के ऊपर दे सकते हैं, या नहीं है तो शोपर सिंपल लेके वो आप लोग दे सकते हैं बालों के ऊपर, बेस्ट 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 है। और मैंने अभी भी अपने बाल उसी से वॉश किए हैं, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे बाल लग रहे हैं मेरे। और मेरे बाल जबकि कर्ली हैं, और कर्ली बाल आप लोगों को पता है कि एकदम से बॉम्ब फट जाता है बालों में, लेकिन जो है ना मैं ये जो मास्क यूज़ करती हूँ ना ये बेस्ट मास्क है, आप लोग लाजमी ट्राई करना, लाजमी घर पर करना। डैमेज हेयर के लिए और रिपेयर करेगा आपके हेयर्स को, आपके रूट्स को अच्छे से डीप कंडिश करेगा। उसके अलावा जी आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बाल स्मूथ एंड सिल्की होंगे, बेस्ट ये हेयर मास्क आप लोग लाजमी यूज़ करना। उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं शैम्पू के ऊपर, ठीक हो गया। शैम्पू यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सबसे पहला जो प्रोडक्ट शेयर करूँगी वो है नेक्स्टवन का शैम्पू। जिन लोगों को ये मैं उनके लिए शैम्पू बता रही हूँ जिनको ज़्यादा हेयर फॉल होता है, जिनके बाल बिल्कुल पतले से ऐसे मड़ियल से पूछने के बाल होते हैं, बिल्कुल जिनके बाल काफ़ी पतले होते हैं, ये उनके लिए शैम्पू, क्योंकि वो जब जिनके बाल पहले ही पतले हैं ऊपर से उनको हेयर फॉल हो रहा है, जब वो एक हैवी प्रोडक्ट अपने बालों के ऊपर थोप देंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि बालों का और निस्त हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा आपके बालों का। तो मेहरबानी करें अपने बालों को जो है ना थोड़ा सा सांस लेने दें, और शैम्पू कभी भी जो है ना
वो आपके बालों की ग्रोथ नहीं करता, ये सिर्फ बालों को क्लीन करने के लिए होता है। तो जी आप लोगों ने देख लिया, ये आप लोगों को 600-800 या 700 के करीब करीब आप लोगों को ये मिल जाएगी। इसके अंदर आप लोगों को 500 ml मिल रही है। थोड़ा सा ये क्वांटिटी ज़्यादा लगती है शैम्पू की, लेकिन शैम्पू अच्छी है, अच्छा है, सोप फ्री शैम्पू है, ठीक है। हमारा ये शैम्पू हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अफोर्डेबल शैम्पू में, हेड एंड शोल्डर शैम्पू। ये तो आप लोगों को पता है कॉमन सा शैम्पू है, सब लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को जो सा अपने बालों के, इसके अंदर मतलब काफ़ी वैरायटी है ना, जैसे ये मेंथो रिफ्रेशन है मेरे पास इसके अंदर, इस तरीके से जो ना और भी काफ़ी फ्लेवर है, आप लोग देख लेना, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग वो ले लेना। ये जरा सी ना बालों में ठंडक सी जरा सा कूलिंग इफेक्ट सा देता है। तो ये भी आप लोगों को 250 या 300 के अंदर मिल जाएगा, लोकल बाजार से भी और मार्ट वगैरह से भी और कहीं से भी, ठीक है। नेक्स्ट जी मेरा मोस्ट फेवरेट जो शैम्पू है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, केराटिन स्मूथ, ठीक है। ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ शैम्पू शेयर कर चुकी हुई हूँ। ये कंडीशनर इसका पहले वाली बोतल का बच गया, ठीक है, पहले भी ऐसा एक बॉक्स था उसका बस कंडीशनर बच गया, डब्बी शैम्पू की यूज़ होकर मैं फेंक दी हुई है मैंने, ठीक है। ये मैंने दोबारा ऑर्डर किया था, तो ये भी मैंने कहाँ से किया था, ये मैं आप लोगों को एक डिटेल से जो है ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये भी शैम्पू काफ़ी अच्छा है, मतलब ये बहुत ही मज़े का शैम्पू है। जिन लोगों के बाल जो है ना ज़्यादा कर्ली डैमेज और अजीब से ना डैमेज होने क्योंकि जिनके ज़्यादा कर्ली बाल है ना उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये केराटिन स्मूथ है, इसके अंदर केराटिन है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को 430 तक या 500 तक की जो ना आप लोगों को लोकल बाजार से भी या मार्ट से मिल जाएगा। ऑनलाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन जहाँ से मैंने डील से मंगवाया था वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। ये शैम्पू काफ़ी अच्छा है, इसके साथ आप लोगों को कंडीशनर भी मिल रहा है और साथ आप लोगों को शैम्पू भी मिल रहा है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बता देती हूँ कि शैम्पू जो है ना वो कभी भी बालों पे ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। मैंने यहाँ पे साइड पे एक और वीडियो चला दूंगी कि जिस तरीके से मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ। मैंने यहाँ पे शैम्पू डाला सबसे पहले, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाला सिरका डाला है, एप्पल साइडर विनेगर मैंने डाला है। आप लोगों को किसी भी मार्ट से मिल जाएगा, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, मेरे पास अमेरिकन गार्डन का था और मैंने यही यूज़ किया। सिरका डाला है 2 ढक्कन अपने बालों के अकॉर्डिंग, उसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और शैम्पू डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। मैं हमेशा इसी तरीके से शैम्पू अपने बालों पे लगाती हूँ, कभी भी मैंने डायरेक्ट शैम्पू अपने बालों पे अप्लाई नहीं किया है, वो आपकी जो होते हैं ना बाल डैमेज कर देगा, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाना है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, शैम्पू भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके अलावा जी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर एक हर्बल एसेंस शैम्पू का भी रिव्यू है, वो भी शैम्पू अच्छा, अगर आप लोग अफोर्डेबल में जाना चाहते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी थोड़ी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पर वीडियो पूरी पड़ी होगी। और जी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अब बात कर लेते हैं शैम्पू के बाद हेयर मास्क या फिर हेयर मतलब कंडीशनर की, ठीक है। तो मैं हेयर मास्क भी यूज़ करती हूँ और मैं कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ। मैं होममेड मास्क भी यूज़ करती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो मैंने खुद बनाया, और ये एक लोलेन का हेयर मास्क है इंटेंस केयर, आप लोग देख लें। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिलेगा, लेकिन ओ माई गॉड दिस मास्क इज सो गुड, बहुत ही मज़ेदार सा मास्क है और काफ़ी सारा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। काफ़ी मज़े का मास्क है, बाल आप लोगों के ऐसे सॉफ्ट हो जाएंगे ना, ऐसे जैसे मलाई होती है, इतना ये मज़े का मास्क है, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इनका ऑनलाइन भी पेज है, उसके अलावा आप लोगों को लोकल मार्केट से भी मिलेगा। आई थिंक इन्होंने थोड़ी पैकेजिंग चेंज कर दी, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, न्यू में ले आए हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का मास्क है। इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा ना तो फिर मैं दूसरा जो है ना यूज़ करूँ। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल मास्क में जाना चाहते हैं वाटिका और गार्नियर, आप लोगों को वो भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लगेंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे लोकल बाजार से भी मार्ट से भी, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार मेरा फेवरेट वन ये मास्क है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मास्क यूज़ कैसे करना है। मास्क को 2 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक तरीके के साथ शेयर करूँगी। मैं शैम्पू अप्लाई करने के बाद अच्छे से शैम्पू को बालों से निकालने के बाद पानी सारा ड्राई करके उसके बाद जो रूट्स होते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लगती, थोड़ा सा लेके आप लोगों ने मास्क इस तरीके से अपने हाथों पे करके तो इस तरीके से सारा अपने अपने बालों पे लगा के छोड़ देना होता है थोड़ी देर के लिए, समझ लें कि 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद साफ पानी से अपने बालों को वॉश कर लें और आप लोगों का जी हेयर मास्क हो गया, आप लोगों ने लगा लिया और उसके बाद बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। और कंडीशनर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ट्रेस्मे का ही कंडीशनर है, ट्रेस्मे के एच डी मेरे पास 2 कंडीशनर है, एक जो मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ वो ये वाला है, आप लोग देख लें पढ़ लें, ये कोकोनट वाला था आई थिंक, हाँ जी विद कोकोनट मिल्क और एलोवेरा वाला था ये, मैं पहले यूज़ कर चुकी बस इसकी आधी बोतल आएगी। लेकिन अब जो है ना मैं शैम्पू के साथ ये वाला यूज़ कर रही हूँ जो कि केराटिन स्मूथ ही है, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू के बाद आप लोगों ने कंडीशनर को लेके अपने हाथों पे
पानी अच्छे से आप लोगों ने अपने बालों को निकाल लेना है, हाथों पे लेके ऐसे ही नीचे जैसे हमने मास्क अप्लाई किया था ना वैसे ही कंडीशनर अप्लाई करना है। और उसके बाद जो है ना एक मिनट के लिए आप लोगों ने लाजमी जो है ना कंडीशनर को छोड़ देना है। उसके बाद फिर ज़्यादा सारे पानी के साथ आप लोगों ने अपने बालों को वॉश करना है, ना तो शैम्पू रहे बालों में ना ही कंडीशनर रहे, नहीं तो बहुत रोला बन सकता है, मतलब कि हेयर फॉल आप लोगों को हद से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक हो गया जी, आप लोगों को पता चल गया अच्छे से शैम्पू और हेयर मास्क कैसे यूज़ करना है। डन, अब जी हम लोग अपने नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शायद काफ़ी लोगों को इसके बारे पता हो और काफ़ी लोगों को ना पता हो। हम लोगों ने अपने बालों को वॉश करने के बाद थोड़ा सा ड्राई करने के बाद जनाब यहाँ पे हम लोगों ने सीरम यूज़ करना होता है। सीरम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वो सूट है वो करें, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दो अच्छे और मज़ेदार से हेयर सीरम यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत खाऊँ क्योंकि ये वाला जो है ना ख़त्म हो चुका है, लिबोन वाला, ये मैं सारा यूज़ कर चुकी हुई हूँ और ये काफ़ी अच्छा सीरम है। आपके बाल जब थोड़े से ड्राई हो जाए, आप लोगों को इतना सा चाहिए होता है सीरम, बस इतना सा, मैं ये भी नहीं कहूँगी टीस्पून, ज़रा सा, बस इतना सा आप लोगों को चाहिए होता है सीरम। अपने हाथों पे लेना है आपने, इस तरीके से करके बालों को नीचे नीचे लगा के ख़त्म कर देना है बाल। ठीक हो गया, लिबोन वाला हो गया, ये आप लोगों को अफोर्डेबल सीरम बता रही हूँ मैं, जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ सीरम। आप लोगों को लिबोन वाला बाज़ार से भी मिल जाएगा, लोकल मार्केट वगैरह जो भी होती है, ठीक है, और मार्ट वगैरह से भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट मैं जो मैंने आप लोगों के साथ मास्क शेयर किया ना जिस कंपनी का लोलेन, उसी का ये सीरम है, लेकिन बट इसके ऊपर से सारा नेम वगैरह रिमूव हो चुका हुआ है क्योंकि मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इतना सारा यूज़ कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रह गया बस। इसकी बोतल, इसकी जो पैकेजिंग है वो भी मैं फाड़ फूड के फेंक चुकी हुई हूँ। एक्चुअली मेरे माइंड में नहीं था कि मैं ये शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगा कि बस नॉर्मल सा होगा तो देखेंगे शेयर करना वहर के रूटीन में कि नहीं, लेकिन बड़ा ही मज़े का सीरम है, बेस्ट 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 सीरम है, काफ़ी अच्छा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लोकल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, और लास्ट स्टेप हमारा होता है सीरम का जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। सो गाइज, ये थी हमारी हेयर केयर रूटीन और बेस्ट अफोर्डेबल हेयर केयर रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग बताना कि आप लोग क्या क्या जो है अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐड करते हो और क्या क्या आप अपने बालों पे अप्लाई करते हो, कमेंट्स में बताना। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो या आप लोग किसी और चीज़ के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, इंस्टा पर जाकर DM कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, हाजिर रहूंगी आप लोगों के लिए। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना लाजमी। फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अल्लाह हाफिज़।